जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडी जी। और इस वीडियो में बात करेंगे हम सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर, और ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही एक तरह से जिज्ञासा पूर्ण लोग पूछते हैं कि फोर्थ पेपर में क्या आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहता है और किस प्रकार से करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर करना होता है, आपका 250 नंबर का होता है। और सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमने वीडियो देख लिया और एसए का देख लिया है, और ये अब फोर्थ पेपर का वीडियो है। इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 खंड में ये प्रश्न पत्र होता है और आपका 14 इसमें क्वेश्चन रहते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में ये छपे होंगे केवल केवल। कुछ लोग पूछते हैं कि ये मराठी और अन्य भाषाओं में, गुजराती भाषाओं में छपे रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा केवल और केवल इंग्लिश और हिंदी के अंतर्गत मिलेगा। हाँ, लिखने आपकी जो लैंग्वेज आपने चुनी है उस पर, चाहे कोई भी लैंग्वेज चुनी हो, जो आपकी संविधान की 22 भाषाओं के अंतर्गत जो भी लैंग्वेज हैं उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एग्जाम पेपर को। आपको ऑप्शन आता है मेंस का पेपर, जब मेंस का जब DAF आता है तो उसमें भरना पड़ता है, जो लैंग्वेज लेनी पड़ती है उसी में से आपको करना होता है। किसी दिन आपको DAF दिखा दूंगा अपना भरा हुआ, जो मैंने भरा था, तो उससे आपको आइडियाज लग जाएगा थोड़ा सा। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो सीधे सीधे रहते हैं, उसमें सीधे सीधे आपको आंसर देने हैं। और जो सेक्शन बी होता है वो आपका केस स्टडी से संबंधित होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। और आचार नीति का मतलब यहाँ पर है एथिक्स से, एथिक्स नीति ये मान के चलिए एक तरह से, एथिक्स यानी नैतिकता। सेकंड है, पहले का, क्या कारण है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को लोक सेवाओं में, विशेषकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में आधारभूत मूल्य समझना चाहिए। अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ सुस्पष्ट कीजिए। और ये सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 150 शब्दों में, या फिर 200 शब्दों में भी और आएगा 250 शब्दों में, तो उन्हें आप देखते जाइएगा कि ये इतने शब्दों में लिखना होता है। ये दूसरे का पहला है, शासन सुशासन तथा नैतिक शासन शब्दों से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, महात्मा गांधी की 7 पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिए। तो थोड़ा सा हमें थिंकर्स के बारे में भी हल्का सा जानकारी होनी चाहिए, जिसमें महात्मा गांधी तो इम्पोर्टेंट है ही है। महात्मा गांधी को तो आप बिल्कुल एक तरह से रट जाइए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही, क्या विचार थे उनके समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपके सभी पेपरों में ये काम आएगा, आएंगे मतलब महात्मा गांधी जी के विचार, सॉरी। तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की जॉन रॉल्स की संकल्पना की विवेचना कीजिए। देखिए, ये जो थिंकर्स हैं ये कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, और ये आपकी जो एक बुक आती है, मैं आपको बता दूंगा जब हम इसकी थोड़ी सी स्टडी करेंगे कौन सी बुक है वो, तो जॉन उसमें थोड़े बहुत थिंकर्स हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन नहीं आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं एक आध क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी के लिए नए क्वेश्चन होते हैं एक तरह से। तो इसमें संकल्पना की विवेचना करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिश कृत यानी अनुशंसित लोक सेवा संहिता की विवेचना कीजिए। इसने मतलब क्या अनुशंसाएं दी थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक सेवकों की संहिता के लिए। फोर्थ का ए है, भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। तो ये कौटिल्य के हिसाब से ये मतलब ये तथ्य उन्होंने किस प्रकार से विश्लेषित किया था उसके आधार पर बताना है, तो वही थिंकर्स के अंतर्गत आ जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि एवं आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले 2 उपकरण माने जाते हैं, ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके। तो पहला इसमें चर्चा क्या करनी है, चर्चा कीजिए कि वे इस उद्देश्य की किस प्रकार पूर्ति करते हैं, और दूसरा उदाहरण देते हुए यह बताइए कि ये दोनों अपने उपागमों में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कार्य अन्य व्यक्तियों एवं समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियों आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं उस सामाजिक परिवेश के द्वारा रूपित हो जाती है, जिसमें हम बड़े होते हैं। अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृत्तियां एवं मूल्य अक्सर
आधुनिक लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिए अवांछनीय होते हैं। तो पहला इसमें से बताना है, आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिए, क्या क्या अवांछनीय मूल्य हैं जो नहीं होने चाहिए। और दूसरा है, ऐसे अवांछनीय अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है तथा लोक सेवाओं के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सामाजिक नैतिक मूल्यों को आकांक्षी तथा कार्यरत लोक सेवकों के में किस प्रकार संवर्धित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है, यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। पहला है इसका, चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है, और दूसरा है, इसे कैसे व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। आठवां क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते हैं, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। इस बात को समझ लेना चाहिए, महत्वपूर्ण है, समझ लेना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि राज्य के अधिकारी तंत्र के पास अपनी स्वयं की स्वतंत्र अधिकारी तंत्रीय नैतिकता हो। इस कथन का समालोचनात्मक पूर्वक विश्लेषण कीजिए। तो उनका ये कथन है, तो इससे आप क्या समझते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उसी पर आपको समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। यहाँ से आगे जो है केस स्टडी से रिलेटिव है, तो मैं केस स्टडी के बारे में वैसे ही बता देता हूँ आपको, और इस क्वेश्चन पेपर को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, पढ़ना बेकार है एक तरह से। तो किस प्रकार से करने होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, ये 9वां क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक एंड तक पढ़ना है अच्छे से, और उसमें जो दिए गए हैं क्वेश्चन उनके फिर जवाब देने हैं आपको। तो ये 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना होता है, यानी दोनों को मिला के 250 शब्दों में लिखना होता है। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन उसमें अलग से होते हैं, मैं बताऊंगा। जैसे ये भी है, तो ये भी सेम वही है जो ऊपर वाला है, लेकिन इसमें अंदर ही क्वेश्चन दिए हैं, अलग से नहीं किए हैं पार्ट। इसी प्रकार से ये 11वां क्वेश्चन है, इसका पढ़ना है पूरा आपको, और ये आपको दो खंडों में इसका उत्तर दे देना, यानी 250 शब्दों के अंतर्गत दोनों होने चाहिए, एक ही क्वेश्चन है ये। और इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन है, सेम वही है, और इसमें भी आपको तीन खंडों में ये क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन भी आपको दो खंडों में है, इसका उत्तर देना है, दो खंडों में पूछा गया है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, लेकिन खंड नहीं दिया गया है, वो आपको उसी में जो पूछा गया है उसका आंसर देना है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, और इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और यहाँ से आगे हम देखेंगे कि समालोचनात्मक, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक व्याख्या, ये सारे शब्द जो एंड में आते हैं उनकी व्याख्या करेंगे कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वही चीज़ पता नहीं पड़ेगी तो क्वेश्चन पूछा किस लहजे में गया है वो समझ में नहीं आएगा। तो देखते रहें एग्जाम मिट जी, धन्यवाद।